अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए जलंधर, अमृतसर और साथ के इलाकों में लगातार पुलिस की तरफ से सर्च अभियान जारी है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट्स आए हैं उसके मुताबिक अमृतपाल सिंह के तार इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह अवतार सिंह खंडा, जो कि बबर खालसा इंटरनेशनल के लेफ्टिनेंट यूके से ऑपरेट करते हैं, उनका खास गुर्गा है। और अवतार सिंह खंडा जो है परमजीत सिंह पंबा, जो कि बबर खालसा इंटरनेशनल के चीफ कमांडर हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये दोनों ही हैं जिनकी वजह से अमृतपाल दुबई से भारत लौटा था और भारत में आकर वारिस ने पंजाब का चीफ बन गया और उसके बाद लगातार खालिस्तान की पैरवी करता रहा है। और ये फंड्स जो हैं बबर खालसा इंटरनेशनल को इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस K2 प्लान के मुताबिक काम कर रही है। K2 प्लान का मतलब कश्मीर में आग लगाओ और पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरहदी इलाके में एक बार फिर से गड़बड़ी फैले ताकि पाकिस्तान के लिए काम करना आसान हो जाए। लगातार इस समय पुलिस चप्पे चप्पे पे छानबीन कर रही है, क्योंकि कल 78 के करीब जो हैं अमृतपाल सिंह के एसोसिएट पकड़े गए हैं। अमृतपाल सिंह जो कि उस कैवलकेट में थे, शाहकोट से कहते हैं कि दूसरी गाड़ी में बैठकर चले गए। आखिर बार उन्हें एक मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा गया है। सवाल ये पूछा जाता है, ये वही अमृतपाल सिंह है जो युवाओं को वर्गलाते रहे और कहते रहे कि खालिस्तान के नाम पर आपको जान देनी होगी, और खुद जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई और देखिए किस तरीके से बुजदिलों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं इस समय। मेरे ख्याल से उनके समर्थकों के लिए भी ये आंख खोलने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हें भी जान लेना चाहिए कि वो किस शख्स के साथ चल रहे हैं जो अपने मफाद के लिए काम कर रहा है बल्कि पंजाबियों के लिए काम नहीं कर रहा है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।